दिव्यं किं ध्यायेद्गुरुचन्द्रशिलाप्रकाशं चित्पुस्तिकाभीष्टोरं ददानं श्रीगुरुर्न कमलेभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीसद्गुरुदेवताभ्यो नमः स्वामी श्री सच्चिदानन्द सद्गुरुप्रियं श्रीनिखिलेश्वरानन्द स्वामी मम सद्गुरुं गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिपीठत्रयं भैरवं सिद्धौघटकत्रयं पदेकोऽपि क्रमण्णं वीणामचतुश्चेष्टं श्रीरावलीपञ्चकं श्रीमन्माल्यमन्त्रासहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। हम आज गुरु पूर्णिमा के पर्वदिन पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को पूर्ण मन से आह्वान करते हैं और समस्त सिद्धाश्रम वासियों को भी आह्वान करते हुए कहते हैं कि प्रभु हमारी यह पूजा हमारी ही श्रद्धा युक्त जो भी कार्य है आप यहाँ आए और हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद देकर जाएं। यह हम सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आप सभी को भी यह एक बात कहता हूँ, पूर्ण शांत चित्त से जब तक अभिषेक हो पंचसूक्त से हो। आज सिद्धाश्रम में भी गुरु जी की पूजा होती है और सारे गुरुमंडल में जितने भी गुरु हैं उन सभी की गुरुमंडल में पूजा होती है। हम हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी में अनादिकाल से लेकर आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से लेकर आज तक जितने भी गुरु हैं उनमें उन सभी को गुरुमूर्ति में ही देखकर उस गुरुमंडल की पूजा करते हुए हम उनसे ज्ञान मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं और श्रद्धा भक्ति भाव मांगते हैं। यह मांगते हुए ये कहते हैं कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो, आज हमारी पूजा स्वीकार करो और हमें वो ज्ञान और वो शक्ति प्रदान करो जिसे हम आगे के जीवन में आप जैसा सोचते हैं वैसा कार्य कर सके और आप जैसा सोचते हैं वैसे हम हमारा जीवन यापन कर सके। आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति हमारी शक्ति है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सब लोग गुरु चादर पहने हुए और साड़ी पहने हुए सारे लोग एक विशेष हम कहें अगर कहें तो हम एक विशेष गुरु चादर या विशेष वस्त्र धारणा में आकर गुरु की पूजा संपन्न करेंगे जिससे गुरु जी भी प्रसन्न हो और यहाँ आपके रहने वाले को भी रहने वालों को भी प्रसन्नता हो। और यह कार्य करने के लिए झगड़े या आगे पीछे जाए एक एक घंटा दूर डालते बैठे हैं ऐसा नहीं है। आप श्रद्धा के साथ एक क्षण भी एक कण भी आपका दूध गुरु के प्रति समर्पण के साथ होता है तो वो श्रेष्ठता के साथ बहुत ही श्रेष्ठ कहलाया जाता है। कहते हैं कि एक बार एक राजा ने कहा था कि वर्षा नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपने सद्गुरुदेव जी को अभिषेक किसी ने कह दिया कि अगर आप गुरु को पूर्ण रूप से गुरु मंदिर को दूध से भर देते हैं तो आप के गांव में वर्षा होगी और सुख संपन्नता हो व्याप्त होगी। सभी कहा, सभी ने सभी गाय दूध सबके सभी को राजा ने कह दिया कि जितने घरों में भी दूध है वो सब अभिषेक के लिए यहाँ आना चाहिए। सभी लोगों ने अपना राजा की आज्ञा मानकर सभी लोग सारा दूध लेकर आए, जो बच्चों को पिलाना था वो भी दूध छोड़कर सब लोग अभिषेक के लिए दूध लेके आए और अभिषेक में दूध प्रदान करते गए। लेकिन क्या हुआ, पूरा दूध जितना भी ढाल रहा है कितना भी उनसे गुरु मूर्ति नहीं भर रहे हैं ना गुरु मंदिर उतना भी नहीं भर रहा है। तब राजा को लगा इतना गांव का सारा दूध वो अभी नहीं भरा। तो एक बाद में छोटी सी बुढ़िया आई और उसने बाबा मैं एक कटोरी में दूध लाई हूँ प्रभु के चरणों में समर्पण करना चाहता हूँ। बुढ़ी अक्कल है तेरे को, यहाँ लीटर लीटर दूध डालने से मंदिर तेरे दूध से क्या असर होने वाला है। तो उसने कहा वैसा नहीं प्रभु, मैंने ऐसा किया है कि मेरे छोटे बच्चे रो रहे थे उन पोतों को दूध वगैरह पिलाकर सभी को देकर लाए तो और भी गालियाँ सुननी पड़ी उसको। तो एक बार उसने कहा मैं श्रद्धा के साथ ये दूध एक मिनट के लिए डालती हूँ भक्ति के साथ, अगर प्रभु स्वीकार करते हैं तो ठीक है नहीं तो मैं चले जाती हूँ, मुझे दूध डालने का परमिशन दो। तब उसने कहा जा बुढ़ी जा दूध डाल के आओ। जैसे ही उन्होंने दूध डाला वो मंदिर और गुरु पूर्ण भर गया। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं श्रद्धा भक्ति को सब छोड़कर बच्चों के पेट मारकर और श्रद्धा भक्ति ही इन लोगों को दूध लाने के लिए कहा, सभी लोगों ने गालियां देते हुए अपने घर से दूध लाया और पहना। तो मैं इसका उदाहरण एक ही देता हूँ, गुरु कृपा प्राप्ति है तो यहाँ बिना झगड़े शांत मन से गुरु मंत्र जप करते हुए अगर एक कण भी दूध डालते हैं तो वो आपके लिए अभिषेक का और आपके लिए गुरु की कृपा का पात्र बनता है। मैं अभी यहाँ जैसा ही अभिषेक आरंभ होगा यहाँ दूध रखा है और लोटे भी रखे हुए हैं, मैं आप ये जो दोनों लाइन में बैठे हुए लोग हैं थोड़े देर के लिए ताकि अभिषेक डालते हुए ऐसे ही लोग चल जाएं ऐसे आए ऐसा करने के लिए आपके आसन हटा दो, यही लाइन बनाएंगे इधर से दूध डालेंगे और ऐसा चल जाएंगे, फिर आप
पूरा अभिषेक होने के बाद फिर आप आपके आसन डाल ले सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग पहले आप ही को अभिषेक डालने का ये दूंगा, लेकिन आप डालने के बाद आसन उठाकर आप पीछे चले जाएंगे और यहाँ से सभी को आसन डालकर दूर डालने का प्रयास देंगे। आप फिर एक बार प्रदक्षिणा करके अभिषेक होने के बाद यहाँ आके बैठ सकते हैं। सभी लोग पहले आप ही को अभिषेक डालने का अवसर देता हूँ, लेकिन जैसा ही आप अभिषेक डाले ये दो भी लाइन खाली करके उठ जाओ। यहाँ से अभिषेक डालते हुए लोग जाएंगे, इधर से आएंगे, इधर से डालते हुए जाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और जल्दी जल्दी काम करना है, इधर उधर नहीं जाना आता, इसलिए आप एक लाइन में कतार में खड़े रहो। आपको अभिषेक डलवाने लगाता हूँ और आप सब लोग पीछे जाके खड़े रहो। जैसा ही अभिषेक होता है फिर आप यहाँ आ जाइए। Thank you.